ऐसा लगता है कोलैप्स होती गई, उसके डिजिटल इंडिया का कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज शायद पैनिक से ओवरटेक हो गई। उनको कैसे, उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को कैसे कनेक्ट करेंगे डिजिटल इंडिया से? सर मैं आपको थोड़ा इसका दूसरा दृश्य दे रहा हूँ, आपसे आग्रह करूंगा एक बार अपने चैनल को भेजिए गांव में, बिल्कुल, और भारत के गांव की जनता मोबाइल से और डिजिटल इंडिया से क्या लाभ ले रही है इस पर एक रिपोर्ट देंगे जी। मैं आपको एक तथ्य देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। हमारे विभाग में कॉमन सर्विस सेंटर है, वो डिजिटल खिड़की है, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, आपका जनधन अकाउंट मेंटेन करते हैं, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं। जब मैं मंत्री 2014 में इस विभाग का बना था तो देश में सिर्फ 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, मैं उनकी संख्या बढ़ा के 4,00,000 ले गया हूँ। भारत के हर ग्राम पंचायत में वो हैं, 12,00,000 बच्चे बच्चियाँ काम करते हैं, एक कंप्यूटर है या एक आपके लैपटॉप है उस पर काम करते करते कई ने बैंक टाइप का काम करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है जो करोना ये आरोग्य सेतु डाउनलोड हुआ, इसमें लगभग 3.5-4 करोड़ डाउनलोड कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चों ने गांव में कराया है। आपकी जानकारी के लिए ये जो आयुष्मान भारत है इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चों ने कराया है। आज वो रेलवे टिकटिंग भी कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए वो इकोनॉमिक सर्वे भी कर रहे हैं, और कानून मंत्री के रूप में मैंने उनसे कहा कि टेली लॉ का कार्यक्रम चलाओ। वो क्या कार्यक्रम है कि बिहार यूपी राजस्थान नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ों में अब बहू को अपनी सास से नहीं पटती, मजदूरों को उनका बकाया नहीं मिलता, तो वकील बैठे रहते हैं लैपटॉप पर लिंक होकर उनको प्री लिटिगेशन एडवाइस करते हैं। क्या बात है, अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों को ऐसा कानूनी राय मिल चुकी है जिसमें 90% गांव और कस्बों में है। सर इसको थोड़ा सा मुझे एक बार थोड़ा सा डिजिटल इंडिया की सफलता, इस चीज को, ये जो आपने लीगल वाला एस्पेक्ट बताया इसको थोड़ा सा एलैबोरेट प्लीज करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे और जुड़ जाएं, मैं चाहूंगा। ये देखिए क्या है, ये मैंने ही प्रयास किया था कि हर व्यक्ति तो नहीं जा सकता वकालत में जी, कानूनी सलाह में जी, तो जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर गांव में है जी, हमने वहां पर एक सिस्टम बनाया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकीलों का पैनल है। अच्छा। तो वो वकील उपलब्ध रहेंगे ये 2 घंटे, और जो भी चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर में 10 रुपये तो उसको फ्री लीगल एडवाइस मिल जाती है लिंकेज कर करके। अच्छा। अब मान लीजिए कोई बहु प्रताड़ित हो रही है सास के द्वारा या ससुराल में, तो वो आ गई, वो जाती हैं, जो लेडी हमारी ऑपरेटर हैं उनकी बात सुनती हैं, बताती हैं, उनको ये एडवाइस मिल, तुम ये करो, ये ऑडियो वीडियो एडवाइस वाले सेक्ट में तुमको ये राइट है। बिल्कुल, आप सामने वो बैठते हैं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, वकील बैठे रहते हैं, बातचीत होती है, और अगर उसमें वो चाहते हैं कि प्राइवेसी हो तो बाकी लोग हट जाते हैं, वो बात करते हैं। मान लीजिए किसी मजदूर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसके सामने क्या लीगल उपाय है? मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, अपराध हुआ, FIR नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हारे सामने क्या क्या कानूनी विकल्प है? इस तरह की दर्जनों चीजें हैं जिसको कहते हैं प्री लिटिगेशन एडवाइस। बात समझ गए आप, केस करने के पहले केस, ये तुम्हारे लिए कानूनी रास्ता है। तो ये मैंने शुरू किया और मुझे जानकर इतनी खुशी हुई कि इतने लोगों ने आग्रह किया, और आज लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने इसका उपयोग किया है। कभी मैं चाहूंगा आप अपने गांव में अपनी टीम भेजें, जरूर। रेवाड़ी में हमारी एक बेटी चलाती है कॉमन सर्विस सेंटर, या आपके निधौरी कला में है गाजियाबाद के आगे, नोएडा के आगे, जाइए देखिए कि गांव में डिजिटल इंडिया कैसे सफल हो रहा है। सर ये इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक कंप्यूटर से काम शुरू किया था, अब 20-20 कंप्यूटर है, कई स्किलिंग का काम करते हैं, कई डिजिटल कोचिंग सेंटर का काम करते हैं, कई पेंशन पेमेंट करते हैं। और मैं वहाँ जाके ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जिन्होंने कोचिंग से DSP इंस्पेक्टर बने हैं, और ये सभी बच्चे बच्चियां मुझे डिजिटल भैया कहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी में नया काम करने की कोशिश की है। तो भारत बदल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा सब ठीक हो गया है, लेकिन नहीं सर, ग्रामीण भारत अपने आप में अब डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एंड सच्ची में ये शायद ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से जाना बहुत सारे लोगों का भला भी करेगी।